हॉलीवुड की पॉप स्टार और सिंगर रिहाना इस वक्त भारतीयों की जुबान पर खूब छाई हुई हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि जब भारतीयों की सुबह सुबह नींद खुली तो रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट किया था। दिलजीत दोसांझ से लेकर स्वरा भास्कर ने जहां रिहाना के इस ट्वीट को लेकर आभार उनका जताया, तो वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने रिहाना को बेवकूफ करार दे दिया। लेकिन 32 साल की उम्र में सबसे अमीर म्यूजिशियन जो कि 4400 करोड़ रुपए की मालकिन है, भारत से 13,000 किलोमीटर लातिन अमेरिकी देश बारबाडोस में जन्मी ये आखिर रिहाना कौन है, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सर्च इंजन में इस वक्त दो चीज़ें सर्च की जा रही हैं, पहला कि रिहाना आखिर कौन है और दूसरा कि क्या रिहाना मुस्लिम है। तो इन तमाम सवालों का जवाब देगी हमारी ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। चलिए सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये आखिर रिहाना कौन है। दरअसल ये हॉलीवुड की पॉप स्टार है, पॉप लेजेंड इन्हें कहा जाता है, और दूसरा ये एक्ट्रेस भी है। लेकिन ये है कौन, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले अगर आप लोगों में से कोई नहीं जानता है कि ये रिहाना कौन है, तो आपको बता देते हैं कि ये हॉलीवुड की फेमस पॉप स्टार हैं और ये एक्ट्रेस भी हैं। इनका जन्म भारत से 13,000 किलोमीटर दूर लातिन अमेरिकी देश बारबाडोस में हुआ था। बारबाडोस के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। इनका जन्म फरवरी 1988 में हुआ था। इनकी मां का नाम मोनिका था और इनके पिता वेयर हाउस में सुपरवाइजर थे। हालात परिवार के बहुत अच्छे नहीं थे और इन्हीं हालातों के बीच इनके पिता को ड्रग की आदत भी लग गई थी और इनके पिता अल्कोहलिक भी थे, और यही वजह है कि परिवार की हालत और ज़्यादा ख़राब होती रही। रिहाना जब 14 साल की थी तो इनके माता पिता का तलाक हो गया, ये अपने पिता के साथ रहने लगी, और उसके बाद इनकी मानसिक स्थिति पर ज्यादा गहरा असर पड़ा क्योंकि इनके पिता इन्हें मानसिक प्रताड़ना भी देते थे। रिहाना का असल नाम है रॉबिन रिहाना फेंटी, और इसी फेंटी नाम से वो अपना ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड भी चलाती हैं। आपको बता दें कि रिहाना जब बारबाडोस में पढ़ रही थी तो उनके साथ फेमस क्रिकेटर क्रिस जॉर्डन और कार्लोस ब्रेथविट भी उनके स्कूल में पढ़ते थे। हालांकि वो अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरा नहीं कर पाई क्योंकि वो अपना म्यूजिक में करियर बनाना चाहती थी। हालांकि उनके म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वो 15 साल की थी तो बारबाडोस में एक म्यूजिक प्रोड्यूसर थे इवान रॉजर्स, जो कि ऑडिशन लेने के लिए आए। उस वक्त रिहाना ने अपनी दो दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंड बनाया था और ये तीनों ही लड़कियां इस ऑडिशन में शामिल होने गई। इवान रॉजर्स रिहाना के बारे में कहते हैं कि जब रिहाना अपनी दो दोस्तों के साथ ऑडिशन रूम में पहुंची तो दो लड़कियों पर ध्यान ही नहीं गया क्योंकि रिहाना का इसी तरीके का ऑरा था। इवान रॉजर्स जो कि म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने रिहाना को अपने साथ म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया। उसके बाद बारबाडोस को छोड़कर रिहाना अमेरिका चली गई और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। डायमंड, अम्ब्रेला, वी फाउंड लव जैसे गानों के साथ रिहाना ने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और अवार्ड्स की तो जैसे भरमार रिहाना के पास लग गई। रिहाना को कई म्यूजिक अवार्ड्स मिल चुके हैं, 9 ग्रेमी अवार्ड्स, 13 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, 12 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स, 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रिहाना के नाम पर हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले म्यूजिशियंस में भी रिहाना का नाम नंबर टॉप पर है। 2012, 14 और 19 में फोर्ब्स मैगजीन की ओर से जारी लिस्ट में ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाले म्यूजिशियंस में रिहाना टॉप पर रही हैं। रिहाना की कुल संपत्ति बताई जाती है $600 मिलियन, जो कि भारतीय रुपयों में अगर कन्वर्ट की जाए तो ये हुआ 4400 करोड़ रुपए। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी रिहाना खूब एक्टिव रहती हैं और यही वजह है कि ट्विटर, जहां पर उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ये ट्वीट किया, वहां पर उनके 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रिहाना अपना एक फैशन ब्रांड भी चलाती हैं जिसका नाम है फेंटी। इसे लोगों के बीच में खूब पसंद किया जाता है। रिहाना म्यूजिक और अपने ब्यूटी ब्रांड के अलावा लोगों की भलाई का काम भी करती हैं। रिहाना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं जिसका नाम है क्लारा लियोनल फाउंडेशन। बकौल रिहाना, जब वो स्कूल में पढ़ती थी बारबाडोस में तो कई बार उनके स्किन के कलर की वजह से उन्हें बुली का सामना भी करना पड़ता था। वो ये भी कहती है कि जब उनके माँ और पिता का तलाक हुआ और उनके पिता ड्रग एडिक्ट और एल्कोहलिक थे और वो अपने पिता के साथ रहती थी, तो उस वक्त भी उन्हें उनके पिता टॉर्चर किया करते थे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, जिसे सर्च इंजन पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। वो ये कि जब उन्होंने किसान आंदोलन पर अपना ट्वीट किया और ये लिखा कि कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा, उसके बाद लोगों ने ये सर्च करना शुरू कर दिया कि क्या रिहाना मुस्लिम है और क्या इनका मुस्लिम देशों के साथ कोई कनेक्शन है। तो इसका जवाब यह है कि उनका मुस्लिम देशों के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो बचपन से ही क्रिश्चियन धर्म का पालन करती रही हैं। हालांकि रिहाना ने सिर्फ किसानों के मुद्दे पर ही अपनी बात नहीं रखी, इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ और आंग सांग सूची जैसे तमाम अलग अलग म्यांमार के बड़े राष्ट्राध्यक्षों से लेकर तमाम बड़े नेताओं को जो गिरफ्तार किया है म्यांमार आर्मी ने, उन्होंने उसका भी विरोध किया।
हालांकि आपको बता दें कि रिहाना ने जब ये ट्वीट किया तो भारत सरकार भी एक्शन में आ गई। उन्होंने ट्वीट करते हुए ग्रेटर थनबर्ग से लेकर रिहाना के इस ट्वीट को प्रोपेगेंडा से प्रेरित भी बताया।